हाय गाइस, सुषमा होता की ड्रीम में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं भी डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने मुझे अब पूरा यहाँ का एक्सरे, दिमाग का एमआरआई वगैरह कराने के लिए बोला है, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा चोट, मतलब अंदर की चोट मेरी ठीक नहीं हो रही। उन्होंने रेफ़र कर दिया हॉस्पिटल के लिए, तो मैं आगे वाले ब्लॉक में आपको जब हॉस्पिटल जाऊंगी तो बताऊंगी। अभी जिस डॉक्टर से मेरी बात हुई है, अरविंद हॉस्पिटल के डॉक्टर से मेरी बात हुई है, तो फिर वो आगे क्या कहते हैं मैं आपसे शेयर करूंगी। और आप थोड़ी प्रेयर कीजिए कि मेरे साथ जो जो हो रहा है थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाए। और आज मैं आपको एक बात बताना चाहती थी। मैं स्टिचिंग भी करती हूँ, मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था, और मैंने स्टिचिंग से बहुत सारी ड्रेसेस भी स्टिच की है, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। और फर्स्ट ड्रेस मेरा है ये वाला, फर्स्ट ड्रेस है ये वाला, तो ये देखिए, ये मैंने पाखी का सुंदर सा एक वन पीस बनाया, आप लोगों को दिख रहा है। हाँ, ये वन पीस बनाया मैंने ग्लिटर में, आजकल चल रहा है ना, ये बहुत आजकल ट्रेंड में है। तो देखिए, मैंने एक वन पीस बनाया मेरी बेटी के लिए, छोटी बेटी पाखी से। आप लोग अभी तक नहीं मिले हैं, मैं आपको मिलाऊंगी, थोड़ा वीडियो में आपने देखा होगा वैसे मेरी बेटी को, तो मैं उसका वीडियो शूट करके आपको दिखाऊंगी। ये मैंने वन पीस बनाया है और ये मैंने इसके लिए लहंगा बनाया है, लहंगा बनाया है जन्माष्टमी के लिए, ये आप देख सकते हैं। तो पाखी पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने अपनी टिया के लिए ये एक गाउन बनाया है, ये मैंने, मेरी साड़ी थी तो मुझे साड़ी को पहनने का दिल नहीं करता था, तो मैंने ये साड़ी से अपनी बड़ी बेटी टिया के लिए ये फ्रॉक सिला है, फ्रॉक बोले गाउन बोले, तो ये टिया पहन के बहुत सुंदर लग रही थी। इसकी पिक्स मैं आपको सेंड करूंगी, आप लोग भी बताना कि मैं कैसे स्टिच कर रही हूँ। और ये देखिए, टिया से मिलिए, ये टिया का ड्रेस है, मैंने आज ही स्टिच किया है। और मैं, अगर आप लोगों को स्टिचिंग में इंटरेस्ट है तो मैं इसकी स्टिचिंग वगैरह आपको बता दूंगी, आप लोग भी घर में आसानी से स्टिच कर सकते हैं अपने बच्चों की ड्रेसेस। और